देखो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसको हम लोग बाबू तो सोल्व सही करेंगे बोल ना, रहा इसको है। सोल्व, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं ना बाबू। देखो क्या करोगे, देखो पहले हम लोग पहला आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बोलो, पहले चेक करना न्यूमरेटर सेम है कि नहीं। न्यूमरेटर सर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है कहीं? नहीं सर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो उसके बाद क्या देखना बाबू, डिफरेंस निकालना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना कितना है सर, 4 है सर। ये दोनों के बीच सर का आप कल डिफरेंस का इवनिंग बैच का वीडियो डालेंगे? यहाँ 6 कर दो। हाँ बाबू डाल देंगे, बाबू डाल देंगे, आप क्लास एंड होगा ना तो डाल देंगे, है ना, 8 बजे, 8 बजे के आसपास डाल देंगे। ठीक है ठीक है बाबू, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बाबू, 4 है सर। 10 और 6 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। ये 15 और 11 में कितना का अंतर है बाबू, 4 का अंतर है। और 23 या 90 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब बाबू सभी जगह डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो अगर डिफरेंस बराबर हो जाता है बाबू, तो उस समय उसके बाद क्या देखना, न्यूमरेटर देखना। अगर न्यूमरेटर बाबू डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से, तो वह फ्रैक्शन मेरा बड़ा होगा वो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। या बाबू डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर दो ये वो केस होगा, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, नहीं तो बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाबू शांति से सुनो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन मत करना है ना। यदि न्यूमरेटर बाबू डिनोमिनेटर से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। न्यूमरेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है। न्यूमरेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है। न्यूमरेटर क्या आया, डिनोमिनेटर से क्या आया, बड़ा आया। न्यूमरेटर बड़ा है बाबू डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो इस केस में बाबू वह फ्रैक्शन मेरा बाबू बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है ना। वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा वो जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कहे बाबू, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कहे, ठीक है, इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कहे बाबू, तो जो सबसे बाबू बड़ा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो जाएगा, वह फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा 23/90, है ना। नेक्स्ट बाबू इससे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा इससे बड़ा ये हो जाएगा, और इससे बाबू 10/6 हो जाएगा, और इससे बाबू 7/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट बाबू, यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। म्यूट कर लीजिए बाबू, क्यों इतना परेशान करते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बाबू। तो इसी को उलट दीजिए बाबू, 7/3, 10/6, 15/11, 23/90। चलिए नेक्स्ट बाबू, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, ग्रेटेस्ट सर? बाबू 7/3। यस सर। बाबू म्यूट रख कीजिए ना, अंशु जी कौन है? यस सर, अनुज सर खाली थे। 7/3? नो सर, हमने चलिए ठीक है, म्यूट रखे बाबू, म्यूट रखे। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 23। 23/90। ठीक है बाबू, वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू, इतना लिखिए, अगले अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाइए, तो जल्दी से। 30/20, नेक्स्ट बाबू 40/30, फिर 50/40, और 60/ बाबू 50। बनाइए तो फोर्थ नंबर। सर बन गया। लाइट का डेली डेली इन्वर्टर खराब हो गया, क्या करें, सुए है लाइट का। अरे लॉकडाउन खुले नहीं, अभी बनाना से काम नहीं है। चलिए तो इजी है, कुछ नेचुरल लाइट, कुछ आर्टिफिशियल लाइट, सबको बनाने दीजिए शैतान। इजी है, यही है, नहीं पढ़ते तब पता चलता कि इजी है कि बीजी है, कितना टफ है। ये नेचुरल लाइट है बाबू, ऊपर उधर का ग्लेयर कर रहा होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। क्लियर दिख रहा है ना सूर्या, सूर्या बाबू? यस सर। क्लियर दिख रहा है ना? यस सर, लेकिन आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। आवाज बहुत धीरे आ रहा है आवाज सर। सर हो गया, हो गया, चले ठीक है। नेक्स्ट बनाइए, 17/15, ठीक है, 19/17, 13/11, और 14/12,
दो चार को क्वेश्चन दे देते बना के लाने के लिए बाबू, है ना? सर डू इट योरसेल्फ, यहां से हां डू इट योरसेल्फ कर लेना। अरे शैतान ऐसे करके लिखना आप बन गया, ऐसे करके लिखना है ना। हाँ ऐसे करके लिखना है, बन गया शैतानी। अभी चेक करते हैं। मैंने पहले बना लिया था, पहले बना लिया सर। मैं तो वैसे बना लिया, मेरा अभी खत्म हुआ थ्री नंबर। हाँ बाबू यस सर, मेरा बन गया। बोल देती है बना नहीं होगा, इसका जरूर नहीं बना होगा, लिखी नहीं होगा। बन गया सर। ठीक है बाबू, तो इस तरह से हम लोग चारों मेथड यूज करेंगे बाबू, चारों मेथड। अब कोई नहीं मेथड जब अप्लाई नहीं होगा ना बाबू, तो उसके बाद हम लोग अब बता रहे हैं। ये हो गया फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर शैतान मेरे, ये हो गया फिफ्थ नंबर शैतान। जीरो 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 थ्री बाई बाबू वन, फाइव बाई थ्री, सेवन बाय बाबू सेवन बाय फाइव, और बाबू एट बाय सिक्स, सेवन नंबर बाबू, सेवन नंबर। टेन बाय बाबू फाइव, ट्वेंटी फाइव बाबू अपॉन ट्वेंटी, फिफ्टीन अपॉन बाबू टेन, और थर्टी फाइव अपॉन बाबू थर्टी। एक नंबर शैतान, एक नंबर। ट्वेंटी थ्री अपॉन बाबू नाइनटी, फिफ्टीन अपॉन इलेवन, फिफ्टी फाइव अपॉन बाबू फिफ्टी वन, सिक्सटी बीच में, थर्टी सेवन अपॉन बाबू थर्टी थ्री। इतना बना के लाइएगा बाबू, इसके बाद अब हम आगे पढ़ाते हैं। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। सर हो गया। वेरी गुड। शर्मा जी वीडियो ऑन कीजिए। शर्मा शैतान है, शैतान है। तुरंत टाइम मिलता है, एकदम पबजी में लग जाता, थोड़ा सा टाइम की मिला दम लग गया पबजी में। सर पबजी थोड़ी ना सर, फ्री फायर। सर मैं एक बार खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है। तो भूख लगा तो क्या दिक्कत है, खाते खाते देर क्या दिक्कत है, खा लीजिए। नहीं सर थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज रहे। अच्छा ठीक है बाबू, खा लीजिए। ये हो गया बाबू, ठीक है, ठीक है सर, इतना हो गया ना। लास्ट में बाबू हम मिक्स क्वेश्चन देंगे ना बाबू। अब जल्दी से लिखे, जल्दी से लिखे, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। जल्दी से लिखे बाबू। अब सर हमको बाबू अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, उसमें कैसे अप्रोच करेंगे। जल्दी करो बाबू, रिस्का ऑन कीजिए ना। लिख ले बाबू, लिखी रिस्का। चलिए यस सर, इरेज करते बाबू। अब बाबू हम लोग इसको कैसे बनाएंगे सर, इस एग्जांपल को, कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं, दे रहे हैं सेतन, दे रहे हैं सेतन। जैसे इसमें कहेगा बाबू, इसमें कहेगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या है सर, छोटा सा एग्जांपल है बाबू। फोर बाई बाबू सेवन है, और बाबू क्या है, फोर बाई बाबू, फोर बाई नहीं, ठीक बाबू, फाइव बाई एट है ना, ठीक है सर, चार तीन सात, पाँच तीन आठ, छोड़ो बाबू आप लोग फिर कहोगे तो डिफरेंस पूछेंगे, फाइव बाई नाइन ले लेते हैं ना, ठीक है सर। अब बाबू यहाँ पे कहेगा ये दोनों में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, नहीं है सर, फोर फाइव का न्यूमरेटर सेम है, नहीं है सर, डिनोमेटर सेम है, नहीं है सर, दोनों का डिफरेंस निकालो बाबू, डिफरेंस निकालो पहले हम लोग का। अब देखो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे बाबू, हाउ कैन बी सॉल्व द क्वेश्चन बाबू, पहले देखना न्यूमरेटर चेक करना सेम है कि नहीं है, सेम हो जाएगा
तो न्यूमिनेटर जब सेम होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग होगा, तो जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर सेम करना, डिनोमिनेटर मेरा सेम है कि नहीं है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा बाबू तो न्यूमिनेटर जो सबसे बड़ा होगा बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये दोनों भी नहीं मिला, एकदम शांति से सुनो, कहानी सुनो, ये दोनों भी नहीं मिला तो थर्ड में आप क्या चेक करोगे, थर्ड में चेक करो बाबू, ठीक है ना, थर्ड में क्या चेक, डिफरेंस चेक करना है ना, डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं यार। तो यहाँ बाबू अगर डिफरेंस देख रहे हैं, चेतन मेरे डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस कितना है, थ्री का डिफरेंस है, सात और चार में कितना का डिफरेंस है, थ्री का डिफरेंस है ना, फाइव और नाइन में कितना का डिफरेंस है बाबू, फोर का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, है ना, डिफरेंस इक्वल है बाबू, नहीं है, है ना, ठीक है सर, नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा क्या, जब डिफरेंस इक्वल है नहीं बाबू, तो थर्ड और फोर्थ रूल भी क्या हो गया, फेल हो गया। तब अब आप लोग बाबू क्या करना, दो में थर्ड है, अब इसके बाद बाबू दो में थर्ड है ना, अब इस दोनों में क्या है बाबू, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बाबू क्या कौन सा होगा, है ना, तो दो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है बाबू, जो फर्स्ट मेथड है बाबू, जो फर्स्ट मेथड है बाबू, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फर्स्ट मेथड है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, क्या कहता है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, देखो क्या कहता है बाबू, जो नंबर दिया हुआ रहेगा, जो जैसे 4 बाई 7 दिया, पहले समझ लो फिर लिखने का टाइम देंगे, 5 बाई 9 दिया हुआ, तो इसको क्या कर देना, शैतान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या सर, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना बाबू, और इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 4 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, है ना, ठीक है, ठीक है, जो बड़ा नंबर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना बाबू, इसमें क्या करना, जो बड़ा होगा इस दोनों में बाबू, जो बड़ा होगा वो मेरा बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, तो 35 36 में बड़ा कौन है, 36 बड़ा, तो ये मेरा 36 का जो वो ग्रेटर हो जाएगा, तो 36 किसके क्रोस्पॉन्डिंग आया, 4 बाई 7 के क्रोस्पॉन्डिंग आया ना, 4 बाई 7 का आया ना बाबू, ठीक है, तो ये दोनों फ्रैक्शन में बड़ा मेरा कौन सा हो जाएगा, 4 बाई 7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे बाबू, 5 बाई 9 से, यस सर, 5 बाई 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड बाबू, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या कहता बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू, सेकंड मेथड क्या कहता है, ये हो गया फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड क्या कहता है बाबू, कि इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, है ना, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कि आधा को तो पता नहीं होगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक पता है, हाँ बाबू, जिसका बाबू डिनोमिनेटर सेम होगा वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे, है ना, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड क्या होगा, मेथड सेकंड है ना, ठीक है बाबू, सेकंड मेथड ऊपर लिख देते शैतान, ऊपर लिख देते हैं ना, ग्लेयर कर रहा है ना यहाँ, चलिए यहाँ ठीक है। सेकेंड मेथड क्या होगा बाबू, सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड, ठीक है ना, कन्वर्ट बाबू, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन बाबू, एकदम शांति से पढ़ो, स्थिर से, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं बाबू, धीरे धीरे पढ़े, समझ के पढ़े। कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन बाबू इंटू किस में, लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन बाबू इनटू लाइक फ्रैक्शन, है ना, ठीक है सर। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, मेरा कौन सा फ्रैक्शन दिया बाबू, दिया कौन सा है, 4 बाई 7 दिया बाबू और 5 बाई 9 दिया हुआ, यही दिया हुआ ना, हाँ सर यही तो दिया हुआ, ठीक है, यस सर, ठीक है, अच्छा ठीक है बाबू। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, ठीक है ना, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आप सीखिए, तरीका सीखे बाबू, है ना, तरीका सीखे कैसे करोगे, तो एलसीएम ले लेना, जो डिनोमिनेटर में रहेंगे बाबू, जो डिनोमिनेटर में रहेंगे उसका एलसीएम ले लेना, तो 7 9 का एलसीएम जब निकालो बाबू, 7 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, है ना बाबू, 7 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, समझो आराम से, समझो 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 समझो, ठीक है। जब सब मेथड फेल हो जाएंगे बाबू, तो दो मेथड आपके पास है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई है, दूसरा बाबू क्या है, जो दिया वो फ्रैक्शन बाबू उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करोगे, तो एलसीएम ले लेना, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 7 9 है, इसका एलसीएम लेना, जो भी नंबर है, ठीक है। अब क्या करना बाबू, डिनोमिनेटर में 63 बनाने की कोशिश करना, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करना, लाइक फ्रैक्शन क्या होता, लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब बाबू क्या हो, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना, है ना, ठीक है सर। तो 4 बाई 7 बाबू इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, ये 63 हो जाएगा, तो ऐसे ही इसका जो नंबर है उसे इसमें मल्टीप्लाई करना, तो 9 हो गया, ठीक है, नोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो नोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना, लाइट आ गया, ठीक है, नोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए रिश्ता,
इसको कितना हो जाएगा बाबू, 36 हो जाएगा अपॉन 63 हो जाएगा। रिस्का म्यूट कर लो बाबू, ठीक है? ठीक है सर। तो ये पहला क्या ना बाबू, 4/7 को क्या ना, इसको भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 5/9 को भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 5/9 है बाबू, यहाँ क्या कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से, यहाँ 7 से। क्यों सर? क्योंकि 63 आपको लाना है, 63 लाना है बाबा ना, डिनोमिनेटर सेम लाना है ना। तो ये कितना हो जाएंगे बाबू, 35 बाई बाबू अपॉन 63 हो जाएगा, है ना? ठीक है सर। अब आपके पास बाबू दो फ्रैक्शन हो गए, एक बाबू 35 अपॉन 63, सेकेंड आपका क्या हो गया 36 अपॉन 63। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना बाबू। तो अब आप लोग क्या अप्लाई करोगे, वही कंसेप्ट है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हुआ बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? तो न्यूमिनेटर 36 और 35 में कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, 36 करता है, ये बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, 4/7 के क्रॉसपॉन्डिंग है ना बाबू। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, ठीक है बाबू, 4/7 हो जाएगा। तो हमको अभी 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 मेरे पास कौन कौन सा फ्रैक्शन है, म्यूट कर लीजिए रिश्ता, यही फ्रैक्शन है बाबू 36/63, 35/63। सर मेरा म्यूट है। पानी का आवाज किसके यहाँ से आ रहा है? चलिए ठीक है बाबू, ठीक है। अभी बाबू 36/63 है, अब ये 35/63, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया बाबू। अब बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो ये वाला लिख देगा, ये नंबर तो लिखना, 36/63 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया, 4/7 के कॉरस्पॉन्डिंग आया, किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया, 4/7 के कॉरस्पॉन्डिंग आया, है ना? तो 4/7 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में बाबू, 5/9 के रिस्पेक्ट में, है ना? तो इस मेथड से कीजिए बाबू, चाहे इस मेथड से कीजिए, दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है ना, दोनों बाबू सेम है, है ना? ठीक है बाबू, तब इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखा देते बाबू, केस लिखा देते नेक्स्ट बाबू, ठीक है? नेक्स्ट बाबू क्या है, ऊपर ऊपर लिखा देते भैन बाबू न्यूमरेटर, भैन बाबू न्यूमरेटर एंड बाबू डिनोमिनेटर, धन बाबू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, आर बाबू आर नॉट सेम, आर बाबू नॉट सेम, धन बाबू न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, ठीक है ना? जब सेम नहीं रहेगा तो ठीक है बाबू, केस ये नेक्स्ट केस है, ये मान लो आपका केस नंबर कितना बाबू, 5 हो गया, 5th हो गया ना, ये 5th हो गया, 4th तक हो गया ना बाबू, ये 5th हो गया, है ना? तो दो केस है बाबू, फर्स्ट जो मेथड है बाबू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, फर्स्ट जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बाबू। सेकंड जो मेथड है बाबू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्ट बाबू इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है सेता? अब आप लोग लिखे, पहले इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे, एग्जांपल लिखिए, और एग्जांपल के बाद फिर इधर इधर प्रोसीड कीजिएगा। पहले सीक्वेंस देखो सेता, इसको लिखना, इसको लिखना है, इसको लिखना है, और इसके बाद बाबू इसको लिखना है, सेकंड मेथड। समझ में आया सौरिया, सौरिया सैतान? Yes, sir. शर्मा जी समझ में आया बाबू? शर्मा एक क्वेश्चन और बताते हैं। हाँ सर आ गया। हाँ बाबू, इसके बाद बाबू आप किसी भी बुक से बनाइए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, आराम से बन जाएगा। अब तो इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं बाबू, इसका कल हम लोग आप लोग जो विद्यासागर का बुक है बाबू, उसके सारे क्वेश्चन कर डालिएगा, ग्रुप में डाला होगा बाबू, फोटो खींच के डाला गया होगा, ठीक है ना? उसको फिर से रिसेंड कर दीजिएगा, ताकि जो नया स्टूडेंट है उसको बना ले, देखेंगे मेरे पास रहेगा तो डाल। मैं फ्रैक्शन बना चुका हूँ। बना चुका है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी कीजिए बाबू, कल लिख लिया, बोर्ड है बाबू, इतना झकास तो बोर्ड है बाबू, रेड ग्रीन ब्लैक एकदम डिजिटल बोर्ड की तरह, अभी क्या चाहिए था? मॉर्निंग में नेटवर्क भी सही रहता है, आप लोग का माइंड भी सही रहता है। इस मंथ कौन कौन रेगुलर है? सर मैं हूँ। हाँ आप हो, और कौन हो? अभिनव प्रकाश, आप ही से पहले पूछते हैं, अभिनव प्रकाश, प्रकाश यस सर, मैं बोलेगा,
रेगुलर हो कि नहीं हो? कितना दिन एब्सेंट हुए हो? एक दिन। सर हम भी एक दिन हुए सर। नेक्स्ट है शिवम और शिवानी, आप दोनों शैतान भाई ब्रदर सिस्टर, कितना दिन एब्सेंट हुए हो? सर ये लोग नहीं हुए हैं। ए शिवम बोलने दीजिए। यस सर। कितना दिन एब्सेंट हुए हो? सर आप अटेंडेंस में नोट नहीं करते हैं बाबू। नोट आप इसीलिए तो आपसे तो पूछ रहे हैं, नोट करते हैं। अटेंडेंस है नहीं मेरे पास, देखिए ना आप बता दीजिए। नहीं तो बताइए ना कितना दिन एब्सेंट हुए? एक दिन हुए। एक दिन हुए आओ लाइट के कारण एक दिन हुए थे। चलिए और कौन बच गया? प्रकाश, प्रकाश सिंह सर कितना दिन एब्सेंट हुए? एक दिन हुए सर। एक दिन हुआ। अब बाकी कोई बता? एक को दिन नहीं हुआ शैतान? नहीं सर। मॉर्निंग में इवनिंग में तो नहीं सर, मॉर्निंग में रेगुलर है। मॉर्निंग में रेगुलर है। अब बाकी कोई नहीं बचा? अब कोई नहीं बचा? अमित तो शादी में चल गया था, शिवांगी बेचारी एब्सेंट ही थी, उसके साथ इशू था, रिस्का भी एब्सेंट ही थी, है ना। तो इस मंथ में बाकी कोई नहीं बचा, नेक्स्ट मंथ के आप लोग अटेम्प्ट कीजिए बाबू रेगुलर रनिंग। सर मुझे तो सीआर है। सर मंथली टेस्ट कब होगा? 10 तारीख के आसपास है ना बाबू। सौम्या का एक छात्र राज है, ठीक है ना, इसको कहते हैं मोनोपोली बाबू, मोनोपोली का समझे। लिख दो जल्दी से चेता। सर इस बार जीत गई ना सर तो 800 हो जाएगा, उसके बाद अगला बार जीत गई तो 1000। हाँ 1000 फिर भी एक मंथ का पेमेंट। यू कांट विन काल आप काल नहीं दिन का आपसे बहुत आपसे बहुत छोटा है सौम्या। अंशुजीत आपसे बहुत छोटा है। इवनिंग बैच में तो मैं ही आऊंगा सर, इवनिंग बैच में मेरा बस एक दिन एब्सेंट हुआ सर। एक दिन वैसे थोड़ी होता बाबू, एक को दिन एब्सेंट नहीं चाहिए, 30 में 30 संडे रहे तो मालूम है सर। नेक्स्ट मंथ ट्राई करेंगे सर, इस बार तो उसको मिल गया। चलिए नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल आप लोग कीजिए तो जल्दी से बाबू। क्या है सेकंड वाला कीजिए तो थोड़ा कीजिए तो बाबू। 4x7 11x ये हो गया ना बाबू, एक के बता जी। चलिए कितना बाबू सेकंड कीजिए, दूसरा कीजिए 4x7 एक बड़ा वाला बता देते बाबू। और क्या बाबू 8x11x12 कर दो है ना। सर किस मेथड से? दोनों से लिखना, सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है सर। दोनों सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। कीजिए ना, क्या दिक्कत है, टाइम क्या दिक्कत है। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर 2x7 बाबू, 1x3 सर, 8x12 बड़ा। कल इस पे बाबू हम लोग एक बड़ा वाला क्वेश्चन बना देंगे है ना, कल बड़ा वाला क्वेश्चन बता देंगे। आज बताएंगे तो 10-15 मिनट लग जाएगा है ना बाबू। इसमें मान लो 3-4 गो रहेगा, इसमें बाबू चार टर्म रहेंगे तो कैसे करोगे, थोड़ा सा हरेसमेंट होगा है ना बाबू। ठीक है नेक्स्ट बाबू 5x2 है बाबू, 3x4 है। अब बुक वाला बनाना है सबको, बुक वाला बनाना है ना। सर दोनों मेथड से करेंगे? हाँ शैतान दोनों मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है और ये वाला भी करना। सर अरे होमवर्क है। हाँ इसको बना के लाना, उसका शर्मा जी का होमवर्क नहीं चेक किया? शर्मा जी का होमवर्क चेक कर लेते, शिवांगी का नहीं किया ना, रिस्का का नहीं ना किया, ये सब का होमवर्क चेक करेंगे ना। 5 मिनट बचेगा तो बाबू नेक्स्ट बाबू अभी बच्चा वाला दे रहे हैं, कल इसमें बाबू इसी चारों को एक साथ इंक्लूड करके बता देंगे, उसके बाद बुक का सोल्यूशन करवा देंगे। 7x13 है और बाबू 14x15 है। शर्मा जी होमवर्क निकाल के रखिए, 6 नंबर बाबू फायदे तक रहने तो काले परेशान करें, फिर बुक भी है ना बाबू, कितना होमवर्क देंगे, बुक भी आप लोग के पास है ना।
यस सर। चलिए शर्मा जी, चलिए होमवर्क दिखाए बाबू। शर्मा बाबू हो गया।